नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में अगर कोई मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है तो उसे एक सेकुलर पार्टी कहा जाता है, जबकि इस देश के अंदर कोई हिंदुओं के लिए आवाज उठाता है तो उसे सांप्रदायिक पार्टी कह करके रात दिन गालियां दी जाती है। लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि इस देश के अंदर ना जाने कितने अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं। आप सब लोगों को अच्छे से याद होगा कि जब मोदी सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही साथ अफगानिस्तान से आए हुए हिंदुओं को यहां पर शरण देना चाहती थी तो भारत की तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने खुद से ये सवाल पूछा है कि जब ये लोग हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं तो आखिरकार यही लोग बांग्लादेश और साथ ही साथ म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में क्यों बसाना चाहते हैं? क्या कभी आप लोगों ने खुद से ये सवाल करने की हिम्मत की है कि इस देश की हर पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में क्यों बोलती है और क्यों हिंदुओं का विरोध करती है, जबकि इस देश की हर पार्टी हिंदुओं के वोट से जीत रही है? इसके बावजूद भी आखिरकार ऐसा क्या है कि भारत की तमाम विपक्षी पार्टियां एक सुर में मुस्लिम लोगों का साथ देती है और हिंदुओं का विरोध करती है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदू लोग आपस में ही लड़ते हैं और आपस में ही इनके अंदर इतने मतभेद पैदा कर दिए गए हैं कि हिंदू चाहकर भी एक नहीं हो पा रहा। आप सब लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि किस प्रकार से मुस्लिम लोगों ने एकजुट होकर के बीजेपी के विरोध में वोट दिया था, वहीं पर हिंदू लोग जात पात में बट करके और चंद पैसों के लालच में आकर के अपना वोट उन लोगों को ही दे बैठे जो कि उनके भविष्य को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, आज इस देश के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या है कि अगर इसे समय रहते ना सुलझाया गया और इसे खत्म नहीं किया गया तो भारत के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर शांतिप्रिय समुदाय की आबादी एक समय के बाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वहां से हिंदू लोगों को पूरी तरह से भागना पड़ेगा। दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारी न्यायपालिका कभी भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देती। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब योगी ने यूपी के अंदर कांवड़ यात्रा को लेकर के आदेश दिया तो किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी, जबकि कानून भी इस बात को पूरी तरह से कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान बताना अनिवार्य है। अगर आप लोग कहीं से लाइसेंस लेने भी जाते हैं और अपनी दुकान खोलना भी चाहते हैं तो उसके लाइसेंस के लिए भी आप लोगों को अपना नाम बताना पड़ता है, तभी जाकर करके आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। जब योगी सरकार ने नाम प्लेट का ऑर्डर जारी किया तो आखिरकार इसमें ऐसी कौन सी गलत बात है जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट इतना सोच रहा है? दोस्तों, अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो इस देश की न्यायपालिका में आज भी वो न्याय नहीं है जो कि एक्चुअली में होना चाहिए। जिस केस का फैसला तुरंत हो जाना चाहिए उसे सुनवाई और तारीख दे करके सिर्फ और सिर्फ ताला जाता है। दोस्तों, आप सब लोग अगर चाहते हैं कि इस देश के अंदर से बांग्लादेशी घुसपैठ पूरी तरह से खत्म हो और साथ ही साथ यहां पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को भारत से निकाला जाए, तब इसके लिए आप लोगों को आवाज उठानी होगी, तभी जाकर के आप लोग अपने बच्चों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।